हाय, आई एम कवलजीत। शायद मैं शक्ल से आपको अच्छा ना लग रहा हूँ, बट आज मैं एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक टॉपिक मेरे मन में आया, रिलेशनशिप्स। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वीडियोज़ को बना चुके हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, और मैं भी बना रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है कि मेरी वीडियोज़ उन वीडियो से ज़्यादा अच्छी ना हो, और हो सकता है किसी काम की भी ना हो, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस फॉर माई सेटिस्फैक्शन। यू वॉच इट और नॉट, इट्स कम्प्लीटली योर विश। तो रिलेशनशिप्स आज इस दुनिया में, लाइक अब के समाज में, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इट्स लाइक एक बीमारी की तरह हो गई है। पहले ये रिलेशनशिप्स एक दूसरे को बांधने के लिए थी, और आज ये रिलेशनशिप्स तोड़ने के लिए बन गई है। लाइक रिलेशनशिप में होना इज़ लाइक अ डिज़ीज़, कि भाई रिलेशनशिप को कैसे हम मैच्योर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और क्लैरिटी में थोड़ा बताता हूँ, डिटेल में। हम एक दूसरे से रिलेशन बनाने में हिचकते हैं, और बनाते हैं तो फिर उसको निभा नहीं पाते। लाइक हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप है, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमें चाहिए, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसे समझना चाहिए, उस बंदे को समझना चाहिए कि वो बंदा है क्या, उसे मुझसे क्या चाहिए, और दूसरी चीज़ मैं क्या हूँ और मुझे उससे क्या क्या चाहिए। जस्ट लाइक रिलेशनशिप जो है वो बहुत सारी चीज़ों का क्यूमुलेटिव डिस्टेंस है, मतलब कई सारी चीज़ें संजो के रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। एक तो मेरा आइडिया, मेरा फंडा ये है कि जो भी चीज़ों को मैं देखता हूँ, दो लेवल पे देखता हूँ। एक तो फिज़िकल लेवल पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिज़िकल लेवल पे चीज़ें बहुत अच्छी देखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बॉडी है ना, ये बॉडी रिलेशनशिप्स को बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया है, ठीक है। जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ, ये बॉडी जो दिख रही है आपको, ये बॉडी नहीं होती तो रिलेशनशिप बनते ही नहीं, ठीक है। इस बॉडी के थ्रू मैं रिलेशनशिप बनाता हूँ, ठीक है। अब कोई भी रिलेशनशिप, जैसे एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, उसमें इंटीमेट लेवल फिज़िकल भी होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल मतलब साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में समझ नहीं पाते, लाइक नॉट अबाउट ओनली हस्बैंड वाइफ, किसी भी रिलेशनशिप में, इवन ब्रदर का ब्रदर से, ब्रदर का सिस्टर से, सिस्टर का ब्रदर से, माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, पापा का बच्चे से, बच्चे का बाप से, कोई भी रिलेशनशिप हो, ये सबसे बेसिक रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन किया। कोई भी रिलेशनशिप हो, हर एक रिलेशनशिप में एक तो कांस्टेंट है कि भैया बाप है बस ख़त्म इतना। दूसरा, बाप है उसे अपना एक दोस्त बनाना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। दोस्ती मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है। देखो, दोस्ती में हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती, वो दोस्ती हम कभी भी छोड़ सकते हैं, और दोस्ती में हम एक दूसरे की केयर करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि भैया कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भाई भाई दोस्त है ना, तू मेरा दोस्त है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि तू कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा, तू मेरा दोस्त ऐवें ही है बिना बात के। तो रिलेशनशिप में भी ऐसी ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ बिना बात के, बिना एक्सपेक्ट किए आपको इससे बंदे से रिलेशनशिप बनानी है। मिलेगा ज़रूर, ज़रूर उस बंदे से भी कुछ मिलेगा, और आपसे भी कुछ उस बंदे को मिलेगा। रिलेशनशिप ऐसी है, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से सिर्फ टेक 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 नहीं होती है, गिव एंड टेक होती है, गिव एंड टेक होती है। यहाँ से भी गिव एंड टेक, यहाँ से भी गिव एंड टेक, दोनों साइड से देना पड़ता है और दोनों साइड से ही लेना पड़ता है, ठीक है। लेना पड़ता नहीं है, मतलब मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है, लेने की एक्सपेक्टेशन को रखे बिना वो मिल जाता है, ठीक है। तो डोंट नॉट टू मेक दिस टू मच कॉम्प्लिकेटेड, मैं सिंपलीफाई करने का कोशिश करता हूँ इन अपने वर्ड्स में, कि हर एक बंदा इस दुनिया में आया है, हर एक बंदा डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स में, ये सारे टैग्स हैं मेरे हिसाब से, ये सब टैग्स हैं, हस्बैंड वाइफ टैग्स हैं, माँ बेटा टैग्स हैं, बाप बेटा टैग्स हैं, भाई भाई टैग्स हैं, भाई बहन टैग्स हैं, ये सारी चीज़ें एक टैग्स हैं,
सबसे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग हैं और ह्यूमन बीइंग की कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से बेसिक नेसेसिटीज़ मतलब फाइनेंशियल फिज़िकल, ठीक है। फाइनेंशियल नेसेसिटी जब तक पूरी नहीं हो रही है तब तक कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी। गरीबों के घर चले जाओ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती है। क्यों होती है? पैसों के पीछे। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, चीज़ें नहीं है, चीज़ें नहीं है, चीज़ें नहीं है, मुझे मिलना चाहिए पहले, मुझे मिलना चाहिए पहले, मुझे मिलना चाहिए। ये चीज़ें होती हैं। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के घर में होती हैं, सभी गरीबों के घर में होती हैं, सभी अमीरों के घर में होती हैं, पर ये चीज़ें होती हैं जब बेसिक चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती। आपके पास सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनको तो चाहिए वो चीज़ें। जो कम सप्लाई वाली चीज़ें हैं उसको हर एक बंदा ग्रैब करने की कोशिश करेगा और उनमें हसल टसल ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ जब तक पूरी नहीं होती है तब तक, उस टाइम तक लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो सबसे पहले बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने का पूरा पूरा कोशिश करना चाहिए। एज़ आई एम ऑल्सो राइट नाउ नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ फुलफिलिंग द सप्लाई, बट आई एम नाउ कंप्लीटली 100% डेडिकेटेड दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ओके। कई बार सबकॉन्शियस माइंड में आता है कि हाँ शायद मैं कर पाऊँगा, शायद नहीं कर पाऊँगा। अरे मुझे 100% पता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है। ये तो रही मेरी बात, मेरी बात को आप साइड में रखते हैं, ठीक है। अब बेसिक नेसेसिटीज़ मान लो फुलफ़िल हो गई, उसके बाद क्लैशेस कहाँ आते हैं? उसके बाद बड़े क्लैशेस आते हैं। देखिए, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं फुलफ़िल हुई, ये सबको समझ में आता है कि क्लैशेस क्यों हैं और क्या हैं। ये कॉमन है और ऑल आई थिंक ना सिर्फ इंडिया बल्कि हर देश में, हर कंट्री में और हर जगह ऐसी स्थिति होती ही है, हर जगह होती है। तो ये अंडरस्टूड है और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ इतना है कि अपने आप को रेज करो, अपने आप की मेंटालिटी को हाई करो, अपनी इनकम के सोर्सेस को बढ़ाओ, अपनी इनकम बढ़ाओ और सबको सिस्टमेटिक तरीके से डिवाइड एंड रूल करो, ठीक है। एक बंदे को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जो समझदार हो, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाकी रिलेशनशिप में क्या होता है? बाकी रिलेशनशिप में देखो, मेरे अकॉर्डिंगली डिमांडिंग आती हैं प्यार की, एक दूसरे से प्यार। हम सोचते हैं कि यार कुछ कमी है, कुछ